भाई साहब, इस चीज की इतनी हाइप बनी हुई है ना, लॉन्गेस्ट टनल इन दी वर्ल्ड। नहीं पता है, हाइप बनती भी है, मतलब ये एक अचीवमेंट है कंट्री के लिए भाई। सच्ची में प्राइड वाली चीज, लॉन्गेस्ट टनल इन द वर्ल्ड। जी फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल, आई होप यू आर डूइंग बेमिसाल। तो गाइस, पहला दिन तो हमारा निकला बहुत ही गजब, और नींद बहुत अच्छी आई है, और सुबह उठते ही भाई साहब पहाड़ों का शानदार, मतलब डे टू की स्टार्टिंग जो है ना वो हुई है बहुत ही ज्यादा शानदार हम दोनों के लिए, क्योंकि मुक्ति लगी हुई है एडिटिंग में, वो इसको नजारे को एंजॉय नहीं कर पा रही है, पर हमारी मॉर्निंग तो बहुत ज्यादा बढ़िया हो गई हुई है। अभी थोड़ा सा नहाते हैं, तैयार होते हैं, और फिर करते हैं ब्रेकफास्ट, और एक बार आपको मुक्ति दिखाते हैं क्या उसका स्केड्यूल बना हुआ है अभी। ओहो, चेला, चेले के साथ में उस्ताद, मतलब क्या जिंदगी है तुम्हारी, मतलब क्या जिंदगी है यार तुम्हारी। तुझे ना दूंगी मैं ढेला ठेला, एक तो मेरे को यहाँ पे ठाके रखा है अंदर में, बाहर इतना अच्छा व्यू एंजॉय कर सकती थी। जाओ मुक्ति, तेरा जानबूझ के तुझे बैठा के रखा है कि वो एंजॉय नहीं कर पाई, तो तेरा एंजॉय करने का तुक नहीं बनता। सुबह सुबह ये आया पेपर हमें उठाने, पेपर है ना इसका नाम आंचल, ओ पेपर धूप सेक रहा है ये तो। पर यार पहाड़ी कुत्ते ना बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, मतलब अगर हम कभी हाइकिंग वगैरह भी कर रहे हैं ना, ट्रैकिंग करें, साथ चलने लग जाते हैं, इतना बढ़िया कंपेनियन होता है ना ये। ओए पेपर, हाँ इसने अपनी फुटेज दे दी है बस। भाई साहब मजे लेने तो कोई आंचल से सीखे, वादियों के बीच में नेल पॉलिश लगा दी है आंचल। यार मैं भूल गई थी यार उधर लगाना, फिर मैंने ना जल्दी जल्दी में अपने पर्स में डाल, मैंने कहा वहां जाके लगाऊंगी। ब्यूटी ब्यूटी विद द व्यू, क्या फायदा, लग रहे थे फिर भी बेकार है। कितने सुंदर, मैंने इतने स्पेशली ग्रो कर रहे हैं, मैंने कहा ट्रिप पे जाना है तो ग्रो कर, इसको तेल वगैरह मालिश की है इसकी जो ग्रो की है, टूटने से बचाया, कोई काम धंधा तो वैसे भी नहीं करती है, वो टूटेगी नहीं, टूटते हो ना, तूने आटा गूंथ दादा, तूने कुछ कर रहा नहीं, आटा गूंथती हूँ मैं, इन लोगों ने भी देखा मैं आटा गूंथती हूँ, नखरों से कूदा तूने नहीं, जिनमें मैल फंसी होती होगी वो भी खा लेते होंगे। नहीं, मैं क्लीन कर दूं अपने नेल। टाइम आ चुका है ब्रेकफास्ट करने का, और यार कल इतना ज्यादा अनहेल्दी खाया ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आज शुरुआत एटलीस्ट हेल्दी से की जाए। शुरुआत ओनली शुरुआत क्योंकि आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। पर देख रहे कितना ज्यादा टेम्पटिंग ब्रेड ऑमलेट है ना, सीरियसली हमने ऑर्डर किया ब्रेड ऑमलेट और साथ में कॉफी, और आंचल शर्मा के लिए स्पेशल जूस। मुक्ति प्लीज, एक ऐसे रिक्वेस्ट है, ऐसा ऑमलेट बनाना सीख जा, शादी के बाद बहुत ज्यादा सुखी रहूंगा मैं, मतलब सुबह सुबह ऐसा ऐसा ऑमलेट मिले भाई, मैं जंक फूड खाऊ ही ना, मैं तो हेल्दी बन जू। सच्ची ये वाला इनका ब्रेड ऑमलेट बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, अच्छा चीज है इसके, भैया को घर ही ले जाओ, मतलब तुझे अपनी बहन पे भरोसा नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ मेरे को, मेरे से छोड़ो उससे शादी कर लो, तुम्हें खाने तो चाहिए। तो टाइम आ चुका है दूसरी डेस्टिनेशन पे जाने का, और ये वाली जगह सीरियसली बहुत ही इतना अमेजिंग व्यू है ना, बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। अभी फिलहाल बच चुका है एक, हमारा प्लान था कि 10 बजे चेकआउट करके अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ चल पड़ेंगे, बट मैडम जी ने बहुत ज्यादा लेट किया और एक बना लिया उसका, 10 में से 0 हटा दिए, 1 बन गया, 1 बजे निकल रहे हैं। वाह मुक्ति, ऐसी कैलकुलेशन ही करती रहा करो अपनी जिंदगी में, पर एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जब हमने सफर शुरू किया था गर्मी बहुत ज्यादा थी, आज मौसम बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, तो अभी हम चलते हैं एन रूट और आप मौसम के लुफ्त उठाओ। रॉकेट बन जी, रॉकेट कितना ऊपर जाएगा, कितने की है, 1200 का, कितने घंटे ऑफ रोड राइड रहता है, कितने घंटे, घंटे के साधन में होता सर, पर मैं चलाऊंगा वो, नहीं हाँ सर ड्राइव आप करेंगे, मैं सेल्फ ड्राइव करूंगा ना, जिप लाइन 1.5 किलोमीटर, और नहीं नहीं करना नहीं है वैसे, देखो इन दोनों यार, आदि और ओंकार ना ऐसे बेवकूफ लोग हैं ना, वहाँ पे लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं यार, इतने अच्छे अच्छे गेम्स खेल रहे हैं, मैं हमने बोला कि प्लीज हमें खिलवा दो, हम क्यों आए हैं यहाँ पे। मनाली इतना ज्यादा कमर्शियलाइज हो चुका हुआ है ना, टूरिस्ट तो भाई भरा हुआ है, पर एक चीज बहुत अच्छी है, एक्टिविटीज की वैरायटी बहुत है, भरपूर नहीं एक्टिविटीज की भरपूर वैरायटी का हमें क्या फायदा, हम बस दूसरे लोगों को देख रहे हैं, रेट भी पता कर लिए सारे के सारे, वहाँ पे रश पता है ना कितना था, रश तो था। मैं भूल जाते कि कोरोना नाम की एक अजीब बीमारी इस दुनिया में घूम रही है। अरे यार भाई साहब, इस चीज की इतनी हाइप बनी हुई है ना, लॉन्गेस्ट टनल इन दी वर्ल्ड। नहीं पता है, हाइप बनती भी है,
मतलब ये एक अचीवमेंट है कंट्री के लिए भाई, सच्ची में प्राइड वाली चीज, लॉन्गेस्ट टनल इन द वर्ल्ड। ये जो व्यू है ना, कैमरा बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा जितनी ये ब्यूटीफुल जगह है। मतलब अगर आपने नजरों से ये चीज देख ली है ना, आपकी मेमोरीज पक्की फीड हो चुकी हुई है। मतलब इससे सुंदर कुछ नहीं देखा होगा। वैसे देखोगे आगे हमारे व्लॉग में और भी सुंदर सुंदर देखोगे, पर ये भी बहुत ज्यादा सुंदर है। टनल के आने से पहले ही लग चुका है जाम, क्योंकि वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रश वाली जगह होगी। और अगर आप यहाँ पे ऐसे तरीके से खड़े हुए ना, बिल्कुल ठीक है। जब लोग ऐसे साइड से गाड़ी लेके आके बीच में लगा देते हैं ना, उसकी वजह से जाम हो जाता है, ये कोई चक्कर। और देखो शेरपुत भाई, बात ही की थी मैंने, पता नहीं लोगों की क्या चुल मचती है, क्या आग बचती है। गाड़ी वाले ऐसे बनते हैं शक्तिमान से, ऐसे क्या हो जाएगा उससे, कितना जल्दी पहुंचेगा, जल्दी पहुंचना मुझे, हो सकता है कोई आप पुलिस वाला उसको पीछे जरूर भेज दे, यू टर्न मार के पीछे भेजे ना भेजे, पर दूसरी साइड से जो ट्रैफिक आ रहा है ना, वो ब्लॉक हो जाता है। पहाड़ों में पेशेंस बहुत जरूरी है। और एक और चीज जो पहाड़ों में बहुत कॉमन मिलेगी वो है खराब गाड़ियां, क्योंकि यहाँ पे ना वो क्लच रेस क्लच ब्रेक का बड़ा कॉम्बिनेशन होता है, तो कभी कभी जो आपकी क्लच प्लेट सड़ जाती है, तो बड़े ध्यान से गाड़ी चले। ओ और ये भी बहुत ज्यादा चक्कर, ओए भाई आगे 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 भाई साहब, ये भी बहुत होता है। ओए उसकी एक्टिवा की जान ही निकल गई हुई है पूरी पूरी नहीं हुई, और वो इतनी स्पीड पे जा रही है। एक्टिवा नहीं जा सकती यार, एक्टिवा तो कसौली के ऊपर ही जाती है। मैडम तो बड़ी दलेर निकली, दलेर है यार। बड़ी हिम्मत वाली बात है। आ चुका है दुनिया का सबसे बड़ा टनल यार, कमेंट सेक्शन में लिख दो सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा। क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पर इस टनल में एक अच्छी चीज पता मुझे क्या लगी, स्पीड लिमिट को मेंटेन करने के लिए अंदर लगाए हुए स्पीड वाले कैमरा, कि अगर आपने ओवर स्पीड करी तो भाई साहब चलान कट गया आपको, घर पे आ जाएगा, भरते रहना। पर बनाई बहुत अच्छी है यार, इतनी हाई टेक्नोलॉजी वाली गुफा मैंने पहली बार देखी है। मतलब लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए टनल बनाने में, गवारों ने बोला गुफा ही है, लख लान था। शेरों की गुफा होती है, क्या बात है, क्या बात है। चूहों की क्या होती है, चूहों की खड्डे होते हैं। बिल तो सांप के होते हैं यार, सांप का बिल होता है ना, चूहे का थोड़ा ना, चूहे की भी गुफा होती है, चूहे का पिंजरा होता है, चूहे की गुफा सुनिए कभी, कौन सी स्टोरी सुनते हैं। तेरी 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 गुफा देखी है ना, वो चूहे की है। बाकी चीजें छोड़ो, निकलते सार पॉलिटिशियनों के दर्शन, क्या बात है। भाई साहब निकलते सारी ऐसे लग रहा है डोर्स, हेवन के डोर्स थे ये, जन्नत पे पहुंच गए। ओ भाई साहब क्या नजारा है यार, सड़क इतनी ज्यादा प्यारी लग रही है, ऐसे लग रहा है कि थ्री इडियट्स मूवी की जो शूटिंग है ना वो इधर ही हुई है। वैसे तो इधर ही हुई है, पर ऐसे लग रहा है हम वही शूट पे हैं, हमारी गाड़ी का शूट चल रहा है। पर हमारी डिग्गी में कोई फुनसुख वागड़ू हमने बांध के नहीं रखा हुआ, ये आंचल और मुखरी फुनसुख वागड़ू टाइप ही है, बांध के रख दो। वाटर क्रॉसिंग आ गई, वाटर क्रॉसिंग आ गई भाई, चलो भाई अब पानी में से निकलेंगे थोड़ा सा। बाइक वाले बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं वाटर क्रॉसिंग के लिए, हम भी एक्साइटेड है। वाटर क्रॉसिंग करके कैसा लग रहा है दत्त? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी बहुत वाटर क्रॉसिंग आएंगे रस्ते में। तो रो रही हंस रही है, मैं खुश, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। देखो यार कितने प्यारे प्यारे पहाड़े, कितने बहुत प्यारे बहुत। दीदी ऐसा नहीं हो सकता हम यहाँ से ठंडी हवा भर के चंडीगढ़ ले जाए, घर में एसी लगे हुए हैं, मतलब के छोड़ दो हवा, लिफाफे में भर ले, 10 लिफाफे ऐसे भर और चंडीगढ़ में ट्राई करियो। हाँ चल मेरे पास एक सोल्यूशन है, तू ठंडी हवा भर के मत जा, तू यही रुक जा है ना, प्लीज यार एक सुंदर सा घर दिलवा दो मेरे को यहाँ पे, यहाँ ठंडी दिला देते हैं। घर वगैरह छोड़ ऐसा बोल, कोई सुंदर लड़का दिला दो यहाँ पे, लड़का पटा ले, जिसका बड़ा अच्छा सा घर हो कोई है तो प्लीज। ये कलेबरेशन कर रही है क्या कोई? कमेंट सेक्शन में पहले नेपोटी से बात होता है, अब गोल्ड डिगर आ जाएगा, माउंटेन डिगर नया लव्स इजाद कर दिया हुआ है, माउंटेन डिगर की कहा। लोग बोलते हैं स्विट्जरलैंड जाओ घूमने, ये क्या पैसे का चोचला है यार, जेहे को पैसा है ना स्विट्जरलैंड का गुण गाऊगा, साढ़े वास्ते ही स्विट्जरलैंड है, ये ज्यादा नजारे ने। एक आपको अपडेट दे देते हैं, अभी हम मनाली में थे, अब हम जा रहे हैं टूवर्ड सरचू, और सरचू में एक जो व्यू होगा ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। हम ग्रीनरी से ब्राउनरी में जा रहे हैं, ब्राउनरी क्या बात है, क्योंकि पहाड़ नेकेड होते हैं, ये ऊपर उसके पेड़ वेड़ के वो नहीं होती, पेड़ ही नहीं होता, पेड़ होता ही नहीं वहाँ पे। अच्छा। वो अभी हम ट्रांजिट कर रहे हैं, देखा अगला वाला जो पहाड़ है उसमें बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं है।
आधी आधा आंचल ने क्या बोला था कि तुम ले लेता घूमने चले जाओ। हाँ ये लड़की राजस्थान चली जाऊंगी। नहीं नहीं इसने बोला कि ना पुणे में मॉनसून आ गया है और वो बहुत अच्छा लगता है, मैं भी मानता हूँ अच्छा लगता है, और इसने उसके चक्कर में कहती लेह लद्दाख नहीं जाऊंगी मैं पुणे चली जाऊंगी। मतलब और मैंने इसको लिटरली बोला कि तू रिग्रेट करेगी ये चीज अगर तूने करी। सच्ची इसने ये बोला, सच्ची बोला, उठा गाड़ी रोक, गाड़ी रोको, आंचल को नीचे उतारो, इसको बिठा दे गाड़ी, मैं इसको दिखाता हूँ, चलो गई उतार दो किसी अच्छे घर में उतार देना, ये अच्छा लग रहा है, पता नहीं आगे क्या है। मतलब अभी आदित्य का कहना है कि अभी तो कुछ शुरू हुआ ही नहीं, अभी तो और अच्छे अच्छे सीन आने, तो जिधर ही उतरना बता दे। वैसे देखा जाए ना, हाँ? मुक्ति ने रिवील कर दिया क्या हम लद्दाख जा रहे हैं, बट लोगों को जिनको पता है लद्दाख वाला रास्ता सरचू, तो आप तभी रुक दो जब लद्दाख जा रहे हो। और आज हमारा स्टे सरचू में है और उसके बाद हम निकलेंगे लेह के लिए। क्या दृश्य है, मतलब ये पेड़, ये पहाड़, क्या इस पेड़ को देखो, ये पहाड़ को नहीं, 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 कितना बढ़िया पत्ते, कितने अच्छे अच्छे पेड़ लगे, वो पुल देख कितना सुंदर पुल है, है? पुल वो भी वाटरफॉल, वो रहा पुल, ये भैया ने ऐसे धचके मार मार के ना पूरी पोजीशन, धचका नहीं झटका, झटका डुमका मार रहा है, अरे झटके को धचका बोल रहे हैं, धचका नहीं धचके होते हैं यार, अरे होते हैं यार, तू ये कौन सी भाषा वाली है यार, ये धचके धचके होते हैं, झटके यार इसको सिखाओ यार हिंदी, झटके कहाँ इसके ना बचपन में चपेट नहीं पड़ी, खिचके कभी बोल रही है, ठिचके ठिचके क्या बोल रही है, धचके यार, ये महाराष्ट्र वाले लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे प्लीज, अच्छा कमेंट्स करो कि कमेंट्स में ये बताओ कि इसको धचके ही बोलते हैं। भैया इसके आगे भी है पंप, ये लास्ट है भाई साहब, लास्ट पंप है, पेट्रोल डलवा लो, कितने किलोमीटर बाहर आएगा भैया, भरवा लो, हम धक्के नहीं मारने वाले सच्ची में, पता लगे हम धक्के मार रहे हो गाड़ियों के। तो पिछली बार क्या हुआ था, जब हम लेह लद्दाख जा रहे थे हमने पेट्रोल नहीं भरवाया रास्ते में, जो लास्ट पेट्रोल पंप आया और रास्ते में लगा हुआ था जाम, वेरी गुड, और हमारी गाड़ी की रेंज थी 150 किलोमीटर और अगला पेट्रोल पंप था 150-160 किलोमीटर के बाद, अच्छा पूरा तो मतलब, पूरा हाँ पूरा पूरा, तो रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और रास्ते में ऐसा नहीं है कि आपको पेट्रोल मिलता नहीं है, मिलता है पर वो कैनियों में मिलता है, महंगा मिलता है, जैसे ढाबे वाले है ना रखते हैं वो भी, पर महंगा बेचते हैं, तो सेफ साइड के लिए जहाँ पे भी आपको पेट्रोल पंप मिले ना, अगर लद्दाख जा रहे हो डलवाते जाओ, मतलब फुल करवाते ही जाओ गाड़ी अपनी, तो उसमें मिक्सिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसका भी फर्क पड़ जाता है।